नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं और आपके वीडियोस में आवाज सही नहीं आ रही तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि मुझे करना पड़ा। एक्चुअल में मेरा एक और चैनल है जिसपे करीब 4.25 लाख सब्सक्राइबर है, कॉम्पिटिशन बॉस। आप उसको सर्च कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दिया है। जब मैंने उस पर वीडियोस अपलोड किए तो पिछले कुछ वीडियोस में वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी और लगातार उसकी शिकायत मेरे भाई बहनों ने मुझसे की, तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना माइक को चेंज करके देखा जाए। तो फिलहाल मैंने यही किया, एक नया माइक मंगवाया और उसको फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं। तो अब आप बताइएगा कि आपको वॉइस कैसी लग रही है और ये माइक कौन सा है, किस रेट में है, तो वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, और माइक पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। तो देख लेते हैं इस बार इस अमेज़न के इस बैग को ओपन कर लेते हैं। इसमें हालांकि मैंने आपको जैसा कि बताया इंट्रो में, इसमें कैमकॉर्डर निकलेगा, तो यहाँ इसको ओपन करते हैं। कट मैंने लगा लिया तो इसके अंदर बॉक्स निकलना चाहिए। बिल्कुल, ये बॉक्स इसके अंदर आया। तो ये माइक है जिसको हम एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। ये इसका आपने देखा पैकिंग, यहाँ ऊपर इसकी ब्रांडिंग है बोया की, यहाँ इसका एक क्लेवर बना हुआ है ब्लैक एंड रेड में, बहुत ही अच्छा कलर है, और BYMM1+ के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं अमेजन पर, क्योंकि मैंने ये थ्रू अमेजन ही मंगवाया है। तो इसको अनबॉक्स कर लेंगे, अनबॉक्स हम इसको कर लेंगे और इसका ये ओपन कर लेते हैं बॉक्स। तो इसको ओपन करने के बाद इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें। ये डब्बा हमने अलग रख दिया। तो ये है इसकी पैकिंग, बिल्कुल प्लास्टिक में पैक है, और फिलहाल एक एक चीज़ इसमें से निकालते हैं। तो ये केबल्स हैं, देख लेते हैं किस किस काम आने वाले हैं। ये एक, ये दो केबल इसके साथ हो गए, और ये इसके माउंटेन करने के लिए इसका स्टैंड है, माउंटेनिंग स्टैंड आप इसको बोल सकते हैं। और ये इसके साथ इन्होंने दिया है एक पैच, देखेंगे इसमें क्या है। ये इसका जेल है ताकि इसमें सीलन वगैरह से ख़राब नहीं हो, और ये माइक है ऑलरेडी पैक है तो ये हट सकता है, इसको हटाएंगे और फिलहाल इसको रख देते हैं यहाँ पर ही। और साथ में निकलता है कि ये लेदर पाउच, पाउच को फोल्ड किया हुआ है, यानी कि ये इसमें पूरी तरीके से पैक हो सकता है। इस पर भी ब्रांडिंग की हुई है, काफ़ी अच्छे सॉफ्ट लेदर का ये पाउच है, और ऊपर इसके पाउच ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रॉप दिया हुआ है। और इसके अलावा ये निकलता है इसका यूज़र मैनुअल, इसमें भी बोया वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। ये इसका वारंटी कार्ड है, हालांकि फिल नहीं किया हुआ, 1 साल की वारंटी इस पर आती है। यहाँ ये दो केबल हैं, आप देखें तो दोनों केबलों पर टैग लगे हुए हैं, तो आप एक बार टैग जरूर देख लेना, जिससे कैमरा बना हुआ है तो ये कैमरे के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इस माइक को आप स्मार्टफोन में यूज़ करें, एंड्रॉयड में यूज़ करें, लैपटॉप में यूज़ करें, और इसको साथ साथ आप इसको कैमरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको कैमकॉर्डर भी कहा जाता है। तो ये इसके दो केबल्स थे, जिसमें से पहला केबल है ये, कैमरे में इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ आउटपुट इनपुट दोनों आप दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ करें। और दूसरा जो केबल है ये आप कर सकते हैं स्मार्टफोन में यूज़, यानी कि ये स्मार्टफोन में यूज़ करने के लिए आपके केबल है। अब आप इसको जैसे यूज़ करना चाहें इस माइक को, उस तरीके से उसका केबल साथ में आप अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था छोटा सा टिकट भाई, ये इसमें इसका क्वालिफाइड सर्टिफिकेट लगा हुआ है, और ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको संभाल के आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टैग में आपको यहाँ ये लिखा हुआ बकायदा क्वालिफाइड सर्टिफाइड, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल चीज़ अभी हमारे हाथ में है। इसको रख देते हैं साइड में, और ये इसका माउंटेनिंग स्टैंड है, देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। फिलहाल तो हम ये जो इसका मेन प्रोडक्ट है इस पर आते हैं। तो यहाँ आप देखें, यहाँ इसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है जिसमें आपको ये काफ़ी सारे फैदर्स दिख रहे हैं। तो इसको कुल मिला के लगाया इसलिए जाता है ताकि धूल मिट्टी वगैरह से बचा रहे, और वॉइस को भी जो वैसी जो आवाज़ है बाहर से आने वाली उसको ये कैच करने से रोकता है। तो यहाँ इसको देखो लगाया है, इसको निकालते हैं, इसको खींचना नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है समझने की। तो इसको थोड़ा सा आप यूँ इसको फोल्ड करें, इसको घुमाते जाएं और थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ खींचें इस तरह करके, तो ये निकल आएगा, वरना तो फिर ये खींचेगा तो वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको घुमा घुमा कर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, और ये यहाँ अंदर देखें, ये माइक है, और यहाँ पर इसके ये ब्लॉक बने हुए हैं, तो इनमें जा कर के ये नीचे अटक जाता है, और ये बाहर की तरफ इसमें यहाँ ये जाली बनी हुई है, यहाँ से वॉइस वगैरह आती है। पीछे यहाँ आपके केबल के लिए
इन्होंने स्लॉट दिए हुए हैं, इसमें आप केबल लगा सकते हैं। इन और आउट के लिए भी यहाँ साइन बना हुआ है, आप देखिए लाइन आउट के लिए है और ये लाइन इन के लिए है। और बोया यहाँ भी इसकी ब्रांडिंग के लिए बहुत ही शानदार मतलब चीज़ है अपने आप में। तो यहाँ एक बार इसको थोड़ा सा पाउच पर हम रख देते हैं। तो इसकी जो खूबी है वो ये है कि देखिए ये काफ़ी छोटा है और जिस तरीके से आपने देखी होगी गन्स आती हैं तो ये बिल्कुल गन की तरीके से लगता है, गन की बिल्कुल बैरल की तरीके से लगता है, इसीलिए इसको शॉटगन माइक भी बोलते हैं। और थोड़ा सा इसमें वेट है, इतना वेट भी नहीं है पर काफ़ी अच्छा खासा वेट है। इसको आपको हाथ में लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, कलर बहुत ही अच्छा प्यारा है। और इसकी बात करें वॉइस की तो ये एक साइड से वॉइस कैच करेगा, यानी कि आप जो बोलेंगे वो इसी वॉइस को कैच करेगा और बाहर से जो वॉइस आती है यानी कि जो वॉइस आपको रिमूव करनी है उसको ये ऑलरेडी रिमूव कर चुका होता है। और ये इसका नॉइस रिमूवर है। तो यहाँ अंदर से देखिए, यहाँ अंदर इसमें एक फॉर्म टाइप चीज़ लगी हुई है जिसमें हम इसको डालेंगे तो बड़े आराम से फिट बैठ जाता है। और बाहर की तरफ यहाँ जिस तरह चूड़ी नुमा कोई चीज़ होती है तो चूड़ी बनी हुई है, तो वो यहाँ इस पर आकर के इसकी जो ये वाइट नेक है बाहर की तरफ, इसकी जो नेक है इसमें आकर के फिट बैठ जाता है। और उसके बाद फिर इसको निकालना आसान नहीं होता, आप इसको एक बार लगा दें और लगाने के बाद इसको परमानेंटली आपको रखना चाहिए। और इसमें भी देखें हम कि भाई ये भी ओरिजिनल है कैसा, तो इसमें भी बोया का बाकायदा ब्रांड टैग किया हुआ है। यहाँ इसमें ये इसका माउंटेन करने के लिए आपको ये इसमें लगाना है, मैं आपको दिखाऊंगा लगाने का सिस्टम। और फिर या पहले ही आप इसको अपने कैमरे पर, अगर कैमरे पर आप करें तो ये स्लाइडर दिया हुआ है कैमरे के ऊपर, एक स्लाइडर होता है DSLR के ऊपर सभी के ऊपर, तो वहाँ इसको लगा करके इस तरह स्लाइड कर दें, ये अंदर बैठ जाता है। और अगर मान लीजिए आपको इसको पेच से कसना है तो नीचे यहाँ पेच भी दिया हुआ है, इसको आप कस सकते हैं, तो बिल्कुल सिस्टम से ये बैठ जाता है। और फिर इसमें आपको ये माइक लगाना होता है, और ये लगाने में थोड़ा टाइट ज़रूर है, हमने इसको लगाया है, कोशिश की तो काफ़ी लगा, इसलिए थोड़ा टाइट है। इसको यहाँ इसमें बिल्कुल फिट बैठ जाता है, इसको आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं हल्का फुल्का, एक बार फिट बैठने के बाद ये निकलेगा भी इतना आसान नहीं है, देखिए आगे पीछे हो जाता है। और इसको आप मूव करना चाहें तो मूव भी नहीं होगा क्योंकि काफ़ी बिल्कुल ये फिट बैठ जाता है एकदम। तो ये बिल्कुल फिट बिठा लिया है आपको, इस तरीके से फिट बिठाएं इसको कि ये जो दोनों पीछे की पिन लगाने के नोजल्स हैं तो ये बिल्कुल ओपन रहने चाहिए, और ताकि आपको रखना ये इस तरीके से होता है तो ये नोजल्स ऊपर की तरफ रहने चाहिए। फिर हम इसको ये लगा देंगे सेट इसमें, और इसको जैसे मैंने आपको बताया इसको थोड़ा सा आपको इस तरह करना पड़ेगा तब जा करके ये बिल्कुल फिट बैठ गया इसमें। अब ये आपका माइक यूज़ करने के लिए तैयार है, यहाँ पिन लगाएं और इसको आराम से कैमरे के ऊपर माउंट करके लगा सकते हैं। अब मैं इसको कैमरे के ऊपर सेट करके आपको इसका एक शॉट दिखाता हूँ। तो ये मेरा DSLR है और ये मैंने बताया था स्लॉट इसमें फिट हो जाएगा। यहाँ DSLR के ऊपर ये एक ब्लॉक आता है जिसमें आपको इसको फिट करना है, मैं आपको बता देता हूँ देखिए फिट किस तरीके से करना है। ये यहाँ इसमें इस स्क्वायर को हम यहाँ डालेंगे और ये बड़े आराम से अंदर की तरफ स्लाइड हो जाता है। तो इसको हम यहाँ अंदर स्लाइड कर लेंगे, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बड़े आराम, देखिए अंदर स्लाइड हो गया और मैंने इसको हटा दिया है। ये पूरी तरीके से इसमें माइक माउंट हो चुका है आप देखिए, और ये इसमें सेट हो गया। अब हम इसका केबल एक बार लेते हैं, तो केबल का एक हिस्सा आप ये देखिए, तो इसमें आउटपुट और इनपुट दोनों हैं, तो इसका जो आउटर है उसको हम यहाँ लगाएंगे, इसमें बकायदा लिखा हुआ है, और इसको हम यहाँ इसको लगा देते हैं। और इसको लगाने के बाद इसका एक हिस्सा DSLR में यहाँ स्पेस होता है उसको वहाँ आपको फिट करना है, तो उसको हम यहाँ फिट कर देते हैं। अब ये माइक आपका रेडी है, और ये इसकी फ्लैप स्क्रीन है, फ्लैप स्क्रीन को आप चाहें तो इस तरीके से यूज़ करें, या फिर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं ताकि आप खुद अकेले हों तो इसको शूट कर सकें। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ पूरी तरीके से, ये मेरा DSLR अब शूट करने के लिए रेडी है और इसको बड़े आराम से हम शूट कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम से, ये मार्क टू है, D200 मार्क टू है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। माइक पसंद आया तो इसे आप परचेज कर सकते हैं, बहुत सस्ता है, बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है, केवल 2800 यानी कि 2800 रुपए में आप इसे अमेजन के थ्रू मंगवा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड करवा दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।